रह सकता है बाकी फूलों को मरना है। माँ जब बने तो थोड़ा पीछे मैं क्या बोल, ये मुझे चहान हिंदुस्तान गए अको पोष रोजन बाकी गचन सारी मारे तम गचन गुलाम बने खास कर यम अस मुसलमान हिंदुस्तान मज जोतू करोड़ यम गचन बोबित रोजन मगर उस आज हुकूमत दिल वो इंसाफ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सिर्फ यही रहे बाकी सब मर जाए। आपने इनका मंशूर देखा होगा अभी जो निकला है झूठ से भरा हुआ। 5 साल इनने हुकूमत की, 5 साल हुकूमत में इन्होंने वादा किया था हम पंडितों को यहां बसाएंगे। उसका वनमत का ऐसा अनोख ऐसा बसा वो 5 वरी गए कहीं बसे एक उसने इनको खत लिखा और सारे भेजा। आज तक उसको मोदी जी एक पैसा नहीं मिला। तो मुझे आज घर में कह रहा तुम सिर्फ कश्मीरी पंडितों के वोट लेने के लिए अपने मन उसमें लिखते हो कि हम तुम्हें बसाएंगे। मोदी जी कौन सा इंसाफ कर रहे हो? ये हुआ एक बात। दूसरा वादा इन्होंने किया और वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरी 6 करोड़ नौकर लगाओ के सर के हर वरी हर साल वो होगा 10 करोड़। मोदी जी जरा हम लोगों को बताइए ना कितने आपने लगाए। पहले कश्मीर में बताओ कितने लगाए आपने। और कल हालत ये थी, कल रात को 8 बजे शाम को मेरे घर पे जिन कश्मीरी पंडितों को हमें नौकरियां दी हैं उनको सरकारी मकानों से निकाल दिया। वो कल रात को मेरे घर आए थे कि देखिए हमें इन्होंने घर से खाली कर दिया, कहां जाएंगे। एक तरफ से गवर्नर साहब कहते हैं कि 370 नहीं हटेगा, 35 नहीं घटेगा, तो दूसरी तरफ से गवर्नर साहब के इस ऐलान को हमारे राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर और वजीर आजम कहते हमने हटाना है। अब हमारा गवर्नर सही है या वो सही है? तीसरी बात, रास्ता बंद कर दिया 2 दिन के लिए। खुद फौज के अफसर कहते हमें मालूम ही नहीं है ये कौमी चारा किसने ऑर्डर किया, हमने नहीं किया। और कल राजनाथ सिंह कहते हैं ये नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह जी हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? ये रियासत तुम्हारी गुलामी में रह रही है क्या? हमने तो हिंदुस्तान के साथ किया था इलाक इस बात पे कि हमें बराबर का हिस्सा मिलेगा, कि हम इज्जत से रह सकेंगे, हम इज्जत से हमारी माए बहने चल सकेंगे। आज हमें पता लगा कि आपका वो मकसद नहीं है। आपका मकसद है कि हम गुलामी में रहें आपके साथ। तो इस गलत फहमी से निकल आइए राजनाथ सिंह जी, हम आपके गुलाम नहीं है। सिर्फ एक लड़का गांधरबल का
उस इलाके से जहां कभी भी कोई नारा नहीं उठा, कोई उन लोगों ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, उस जगह से एक लड़का उठा। वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि जो हमारी हालत है, इसको देख के उसने कहा नहीं, बेहतर है जान देना। और कुलगाम में उसे कल अपनी जान दे दी। कितने और लाशें देखना चाहते हो वजीर आजम? राजनाथ सिंह जी, कितने और लाशें देखना चाहते हो? तुम लोग यहां नफरतें पैदा कर रहे हो वतन के बारे में। इस वतन के बारे में तो आप नफरतें पैदा कर रहे हो, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, बेहद मुश्किल हो जाएगा। और फारूक अब्दुल्ला पे ताना लगाते हो कि फारूक अब्दुल्ला ने ये दौलत बनाई है। मेरे पास अपनी कोई दौलत नहीं है, जो है बैंक में देख लो कितना है मेरे पास। और ये देख लो, जिस जमीन में मेरा घर है वो मैंने सोरे की जमीन मेरे बाप ने बेच के, किसी से कुछ नहीं लिया, सोरे की जमीन बेच के मेरे बाप ने वो जमीन खरीदी। फारूक अब्दुल्ला के पास चंगबर्ग में जमीन है, वो मेरे माँ की जमीन है, उसके बाप की वक्त की, कोई मैंने आज नहीं बनाई है या आज नहीं खरीदी है। मैं तो कहता हूं कमीशन बिठाओ, अगर तुम्हें ये हिम्मत है कमीशन बिठाओ। तुम लोगों ने दफ्तर बनाया दिल्ली में, 8,000 करोड़ उस पर खर्चा है, वो 8,000 करोड़ कहां से आया उसका जवाब दो। हम पे उंगलियां उठाते हो, हमें शाह साहब अपने आप पे उंगली उठाओ ना, तब पता लगे, तब तुम्हें पता लगे कि हाल क्या है।